वी द पीपल संविधान पर आधारित है। इसका जो नेता है वो भारत का संविधान है। वी द पीपल उसी से सीखता है कैसे संघ काम करता है, कैसे लोग उसमें अपना एजेंडा लगाते हैं, कैसे बात रखी जाती है, कैसे उसमें तर्क वितर्क होता है, कैसे बहस होती है और कैसे वो बहुमत से पास होता है। लोग कहते हैं कि संविधान लीडर कैसे हो सकता है। देखिए, संविधान पूरे देश का लीडर है। दरअसल संविधान ही चलाता है, संविधान ही लोगों को पद देता है, संविधान ही व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे जो अफसर हैं वो आए हैं और चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी चली जाएंगी, मगर संविधान यही का यही है। क्योंकि संविधान इंटैक्ट है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसके आधार पे जिसको जो काम करना है वो उसमें नियम निश्चित है, वो सुनिश्चित है, वो हो सकता है। तो संविधान नेता है, संविधान के आधार पर चलेगा। तो उद्देश्य हमारा वही है जो संविधान की उद्देशिका में है। हमको न्याय चाहिए, हमको मौका चाहिए, हमको कहने की पूरी आजादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको बंधुत्व चाहिए, हमको प्यार चाहिए, करुणा चाहिए और हमको देश मजबूत चाहिए। वही नियम जो सारे लिबर्टी, फ्रेनिटी, जस्टिस जितने भी दिए हुए हैं और अपॉर्चुनिटी, वो सारे के सारे हमको चाहिए, पूरी भारत की जनता को चाहिए। हम समण समाज का चलाते हैं तो वमण समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। दरअसल वमण समाज के पास तो सब कुछ है, उनके पास कार है, कोठी है, बंगला है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया में फैल गए, वो चले गए, बड़े बड़े औहदे पर अधिकारी हैं, उनके पास सब कुछ है। मगर भारत में जिनके पास नहीं है वो समण लोग हैं, इसलिए हम उनके लिए कहते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए जिससे कि देश मजबूत हो। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वी द पीपल है उसका लीडर हमेशा संविधान रहेगा। यहां व्यक्तिवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाद आते ही फिर ये वी द पीपल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अगर इसमें किसी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे या कोई व्यक्ति नेता बनेगा। हाँ, व्यक्ति आ सकता है अगर उसको समण संघ आगे बढ़ाएगा, समण संघ वोट दे उसको, समण संघ बहुमत दे, समण संघ जब वो चुनाव में उतरे तो समण संघ उसको चुने, फिर उसको आगे बढ़ाए, तो उसको जो राइट संविधान में जो मिलेंगे या जो समण संघ जो नियम बनाता है या बनाएगा उसके अनुसार जो राइट्स मिलेंगे वो उनको यूज कर सकता है, फिर उनको लोगों के भले के लिए कर सकता है। करेगा तो ठीक है, वरना जो समण संघ है उसको उतार के फेंक देगा, फिर किसी और को ले आएगा। क्योंकि व्यक्ति का यहां सिर्फ नाम रहेगा, पावर्स जितनी भी रहती हैं वो जैसे संविधान में जो लोकतंत्र के आधार पे जो एमपीज के हाथ में है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में है, वैसे ही पावर यहां सब लोगों के हाथ में है। लोग जो चाहेंगे वही यहां होता है, इसलिए इसका उद्देश्य और इसके नियम सारे के सारे वही हैं। हाँ, लोगों को इकट्ठा करने के जो नियम हैं जो संविधान में नहीं है वो हम विनय पीटक से लेते हैं। विनय पीटक में जो संघ के नियम दिए हैं जिससे पूरी दुनिया ने संघ बनाए हैं वहां से लेते हैं। तो विनय पीटक के नियम संघ के आधार पे और इंस्टीट्यूशनल जो नियम है वो संविधान से लेते हैं और लोग अपने आप अपना काम करते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, सबने संविधान पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से काम करते हैं। धन्यवाद।